तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका मोहित, और आज मैं आपको बताऊंगा पबजी मोबाइल की कुछ ऐसी सेटिंग्स जिनको करने के बाद आपके गेम में जो हाई पिंग की इशू आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपका गेम एकदम फ्लुएंट चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिनको आपको अभी चेंज करना है, और इसके अलावा आपको 2 बोनस टिप्स भी दूंगा जिससे आपका गेम और भी ज्यादा फ्लुएंट चलेगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो सेटिंग्स है ये मैं आपको आईफोन में करके दिखा रहा हूं, बट यही सेम सेटिंग्स आप अपने एंड्रॉइड फोन में भी कर सकते हो। उसमें नाम थोड़ा सा शायद इधर उधर होगा, बट आप सेम सेटिंग्स उसमें भी कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहली जो सेटिंग है वो कैरियर को लेके है। आपको अपने फोन में सेटिंग्स में जाके और नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है, और आईफोन यूजर्स के लिए मोबाइल डाटा में क्लिक करना है। नेटवर्क सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख रहे होगे कि वहाँ पे ऑटोमेटिक में टॉगल्ड ऑन है, बट आपको ऑटोमेटिक से कैंसिल करके और नीचे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको एक्टिव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अपना एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे एयरटेल पे टिक कर देना है। तो दोस्तों, डिफ़ॉल्ट में ये सेटिंग्स आपकी ऑटोमेटिक में रहती है। ऑटोमेटिक में होने से होता ये है कि आपका फ़ोन कंटिन्यूसली नेटवर्क्स को सर्च करता रहता है, बट अगर आप एक बार एक नेटवर्क सेलेक्ट कर लेते हो तो इसके बाद वो सर्च करना बंद हो जाता है, जिससे आपकी नेटवर्क स्पीड और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हाई पिंग आने का। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमको सेटिंग्स में क्लिक करना है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद जनरल पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा। जब भी आप गेम खेलते हो तो गेम खेलने से पहले इस बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को आपको ऑफ कर देना है। तो दोस्तों, जब भी आप पबजी गेम खेलोगे या कोई भी ऐप आप यूज़ कर रहे होगे, तब जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे होगे पूरा आपका मोबाइल डाटा वही ऐप यूज़ करेगा, जिससे आपको एक बेटर कनेक्टिविटी और बेटर कनेक्शन मिलेगा। ये और भी सारे ऐप्स में भी काम करता है पबजी के अलावा भी। तो दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा गेम स्टार्ट करने से तुरंत पहले की है। जब भी आप पबजी गेम स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको अपने फ़ोन की रैम क्लियर कर लेना चाहिए। रैम क्लियर करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप इधर ऊपर आई बटन में क्लिक करके और वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपको रैम क्लियर नहीं करना है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि जब भी आप पबजी मोबाइल खेलो उससे पहले आप अपना फ़ोन रीबूट कर लिया करो। रीबूट करने का मतलब होता है कि आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लिया करो, उससे आपकी रैम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आपको नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, आपकी पिंग जो है वो बहुत हाई आ रही है। हाई पिंग आने का मेन रीज़न हमारा नेटवर्क कनेक्शन ही होता है। अगर आपको हाई पिंग बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसके लिए आप सेटिंग्स में जाके और मोबाइल डेटा में क्लिक करो, और नीचे आपको जितने भी आपके अनयूज्ड ऐप्स हैं उनको टॉगल ऑफ कर दो। और जब भी आप पबजी मोबाइल खेल रहे हो तो पबजी मोबाइल को छोड़ के बाकी जितने भी ऐप्स हैं सबको टॉगल ऑफ कर दो, तो आपका कोई भी ऐप सेलुलर डेटा यूज़ नहीं करेगा, जिससे आपको पूरा डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पबजी मोबाइल यूज़ करेगा। तो दोस्तों, हमारी 5वीं टिप है कि जब भी आप पबजी मोबाइल खेलते हो तो वहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाके आपको साउंड क्वालिटी एकदम लो को सिलेक्ट करना है, और इसी के साथ आपको जो म्यूज़िक का ऑप्शन होता है उसको ऑफ कर देना है। दोस्तों, इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ग्राफिक्स सेटिंग्स। हमारे फ़ोन के हिसाब से जो हमारी ग्राफिक्स सेटिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट अगर आपको पिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है या नेटवर्क आपके यहाँ बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको सिंपली ग्राफिक्स सेटिंग्स में जाके स्मूथ, मीडियम और क्लासिक, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना है। इससे आपका जो पबजी मोबाइल है वो कम नेट यूज़ करेगा। हाँ, थोड़ा सा ग्राफिक्स आपको कम मिलेंगे, बट अगर आपको ज़्यादा पिंग आती है तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 टिप्स, एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा ही दे दी, बट अब है बारी बोनस टिप्स की। तो मेरी तरफ से मैं आपको 2 बोनस टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहली टिप ये है कि आप ऑटो पिकअप को ऑन कर लो जब भी आप पबजी मोबाइल खेलते हो। तो ऑटो पिकअप से क्या होता है कि आप जब सेलेक्ट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आप कार 98 उठाते हो, तो उसके साथ अगर आपको 20 एमओज लगती है तो सिर्फ 20 एमओज वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, और अगर आप M416 लेते हो तो उसके साथ अगर आपको 200-300 एमओज मिलती है, तो अगर ये सब आप पहले से सेट करके रख लोगे तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपका बंदा अननेसेसरी चीज़ें भी नहीं उठाएगा। इससे भी नेटवर्क में थोड़ा फ़र्क तो पड़ ही जाता है। और दूसरे, इसी के साथ साथ एक और बोनस स्टेप ये है कि जब भी आप एक रश गेम खेल रहे होते हो उस टाइम पे आपकी पिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, 800-900 चली जाती है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए कि जो भी आपका स्क्वाड का माइक और स्पीकर है इन दोनों को आप ऑफ कर दो। आपका जो मोबाइल डेटा है वो बहुत ज़्यादा बचेगा, क्योंकि वहाँ से वॉइस आने में और यहाँ से वॉइस जाने में बहुत सारा मोबाइल डेटा खर्च होता है। तो ये अगर खर्च होना कम हो जाएगा तो आपकी पिंग जो है वो नॉर्मल हो जाएगी तुरंत। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और मेरी वेबसाइट techistan.in को भी चेक करो। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स और बहुत सारे कंटेंट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।